तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हर बार की तरह इस बार भी अच्छे होंगे। तुम्हारा भाई फिर से लाइटरूम एप्लीकेशन के सहायता से बहुत ही बढ़िया कलर ग्रेडिंग लेके आ ही गया। जैसे कि आप भी कर सकते हो अपना फोटो पे, अपना बैकग्राउंड पे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है, ताकि आप एक भी स्टेप मिस ना करें और आप अच्छी तरीके से अपना फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सबसे पहले आपको कलर ग्रेडिंग करने के लिए, जैसे कि आपको लाइट रूम एप्लीकेशन बहुत ही ज़रूरी है, वो बहुत ही अच्छा ऐप्स है, उससे लाइट रूम से बहुत ही अच्छा अच्छा कलर ग्रेडिंग बना सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इंस्टॉल कर लेना है अगर नहीं है तो फ़ोन पे अपना। तो जैसे ही देख सकते हो तुम्हारा भाई के पास है, इसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आपको जिस वाले फ़ोटो एडिट करना है उसको ऐड कर लेना है। तो ऐड कैसे करें, तो सबसे पहले आपका अगर फ़ोटो जिधर भी रहेगा उधर से पहले अपना फ़ोटो ऑन डिवाइस दिखने में मिलेगा, फ़ोटो ऑन डिवाइस पे आ जाना है। उसके बाद आपका फ़ोटो जिधर भी रहेगा उधर से आपको सबसे पहले करना क्या है, इधर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि ये वाला कलर ग्रेडिंग तुम्हारा भाई कर रहा था कुछ देर पहले, इसको रिसेट कर देंगे ये। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो हमारा पहला फ़ोटो बिफोर अभी इसका कलर ग्रेडिंग करके आपका तुम्हारा भाई को अभी तुम्हारा भाई दिखाने वाला है। तो बहुत ही इजी ट्रिक है, आप भी इजी तरीके से कर सकते हो। बस एक स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा भाई बताएगा, आप मिस मत करना। अगर मिस करोगे तो सही तरीके से नहीं बना पाओगे। अगर मिस एक एक ट्रिक अगर मिस कर दोगे तो फेस पे भी कलर ग्रेडिंग आ सकता है और सही तरीके से नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि देख सकते हो तुम्हारा भाई का बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा लाइट 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 है, तो उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इधर एडिट वाले टूल्स पे आपको आ जाना है। इधर बहुत सारे टूल्स देखने में मिलेगा, तो सब टूल्स का आपको अगर ट्रिक्स जानना है तो भाई को कमेंट्स ज़रूर बता देना। हर एक टूल्स का ट्रिक आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो बस भाई को थोड़ा सपोर्ट देना यही काफ़ी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फ़ोटो में जैसे कि देख सकते हो लाइट बहुत ही ज़्यादा है, तो सबसे पहले अगर आप नए नए अगर एडिट वगैरह कर रहे हो तो आपको सबसे पहले लाइट वगैरह एडजस्ट करने का सबसे बेस्ट टूल्स ये वाला है ऑटो। ठीक है, ताकि मतलब वो खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा अपने। जैसे देख सकते हो मैं अभी इसको वन क्लिक करेगा तो खुद ब खुद लाइट वगैरह एडजस्ट कर देगा। तो इस पर थोड़ा जैसे देख सकते हो लाइट वगैरह एडजस्ट कर दिया बिफोर एंड आफ्टर, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर दिया। और अगर आपको फिर भी ज़्यादा लाइट लगे या फिर कम लगे आप इधर से बढ़ा सकते हो। तो आपको करना क्या है, उसके बाद आपको लाइट पर आ जाना है। लाइट पर जाने के बाद जैसे कि इधर से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो जैसे कि हमको लाइट लाइट बहुत फिर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा माइनस कर लेंगे। जैसे देख सकते हो इधर हाईलाइट्स देखने में मिलेगा, इसको तो थोड़ा सा माइनस कर लेंगे। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट तुम्हारा भाई का बैकग्राउंड पर लाइट बहुत ज़्यादा है। तो जैसे देख सकते हो 92 रख लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, इधर छिड़कानी नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत इधर छिड़कानी करना है तो कर सकते हो। और अगर आप ये वाला टूल्स नहीं यूज करना चाहते हो, अपना हाथों से अगर एडजस्ट वगैरह करना चाहते हो, तो इधर लाइट लाइट वाले टूल्स पे आके आप अपना हिसाब से कर सकते हो। तो उसके बाद आपको करना क्या है, कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जैसे कि देख सकते हो कलर वाले टूल्स में आ जाना है। जैसे ही देख सकते हो कलर वाले टूल्स में तुम्हारा भाई आ चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है, इधर से थोड़ा सा वाइब्रेंस को बढ़ा लेना है, ताकि थोड़ा सा फ़ोटो अपना HD में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो जैसे देख सकते हो बिफोर, जैसे देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कुछ 70 रख लेंगे। ठीक है, तो 70 रख लेंगे। 70 रखने के बाद आपको करना क्या है, सेचुरेशंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, सेचुरेशंस को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसका आपको करना क्या है, जैसे देख सकते हो पहले तुम्हारा भाई का फ़ोटो कुछ इस तरह का था, अभी कुछ इस तरह का हो गया। तो अभी आपका आप सोच रहे हो भाई का फेस तो बहुत ही येलो हो चुका है, तो वो भी सही कर देगा। इसलिए बोल रहा हूँ आप पूरा वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कैसे कलर वगैरह करते हो। बस एक दो ट्रिक जान जाओगे तो आप भी इस तरह का अच्छे तरीके से एडिट वगैरह कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर एक भी स्टेप मिस करोगे तो सही से नहीं बना पाओगे, या फिर अपना फेस पे कलर वगैरह आ जाएगा, इफेक्ट वगैरह आ जाएगा, तो सही से नहीं बना पाओगे अपना फ़ोटो। उसके बाद आपको करना क्या है, कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको इधर में और एक टूल देखने में मिल जाएगा, मिक्स वाले टूल। ठीक है, तो मिक्स टूल पे आपको आ जाना है। मिक्स टूल पे आ जाओगे तो जैसे कि इधर बहुत सारे टूल्स देखने में मिलेगा, इधर से आप कलर वगैरह कर सकते हो। जैसे देख सकते हो बहुत सारे इधर टूल्स है, तो इधर कर सकते हो। ठीक है, इधर से आपको सबसे पहले करना क्या है, इधर में जैसे आपको देखने में मिलेगा येलो कलर का टूल्स, ऑरेंज कलर का टूल्स सॉरी, तो इस पर आ जाए आपको आ जाना है। आ जाने के बाद आपको करना क्या है, इसका काम क्या है बता रहा हूँ।
इसका काम है आपका फेस, जैसे कि अभी येलो, आप अभी अभी मैं बोल रहा था ना, आप अगर सोच रहे होगा, आप मतलब आप समझ सोच रहे होगा कि आपका भाई का फेस तो वाइट येलो हो गया, इसको वाइट कैसे करें या फिर दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी ये वाले टूल्स से ही सही हो जाएगा। जैसे देख सकते हो आपको ऑरेंज वाले टूल्स पे आ जाना है। ऑरेंज वाले टूल्स पे आ जाने के बाद आपको करना क्या है, सेचुरेशंस को माइनस कर लेना है। अगर फेस अपना वाइट रखना चाहते हो तो इसको माइनस रख लेना है, और अगर ज़्यादा येलो रखना चाहते हो तो जैसे ही देख सकते हो कितना पूरा दिखने में गंदा सा लग रहा है, तो तुम्हारे भाई को थोड़ा सा वाइट चाहिए, इसको माइनस रख लेंगे अपना हिसाब से आप रख लेना। तो तुम्हारा भाई को इतना रख लेना है 23, और थोड़ा सा और अपना फेस पे थोड़ा सा वाइट अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो सब लुमिनेंस पे आपको क्लिक करके थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो जैसे देख सकते हो इस पे ऐसा करोगे तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वाइट हो जाएगा। तो तुम्हारा भाई को ज़्यादा नहीं चाहिए, 9 रख लेंगे। उसके बाद आपको कलर वगैरह एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि उसके बाद आपको ये वाले टूल्स पर आ जाना है। ये वाले टूल्स पर आ जाने के बाद आपको सेचुरेशन को माइनस कर लेना है, इसको माइनस ही रख लेंगे, और लुमिनेंस को ट्राई करते हैं, लुमिनेंस को इतना ही रखने देते हैं, इसको भी इतना ही रखने देते हैं, छेड़खानी नहीं करूँगा। उसके बाद आपको करना क्या है, ग्रीन वाले टूल्स पे आ जाना है, ठीक है। तो ग्रीन वाले टूल्स पे आ जाने के बाद इसको भी पूरा सेचुरेशन को माइनस कर लेंगे, नहीं इतना नहीं करेंगे, थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे, और इसका ह्यू को इतना रख लेंगे, कुछ इतना के करीब रख लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, और इसका एक टूल्स आपको ये भी ध्यान रखना है, ये वाले टूल्स, ठीक है। तो रेड वाले टूल्स आपको करना, इसका काम क्या है, अगर फेस थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा या फिर अपना मतलब लिप्स पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा लगे तो ये वाला जो है ये थोड़ा सा रेड रेड सा कर देता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के रख ही लेते हैं, जैसे देख सकते हो फेस पे ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे को नहीं इतना ही रख लेना, नहीं भी करूँ तो चलेगा, क्योंकि पहले से भाई का फेस पे थोड़ा सा रेड रेड सा इफेक्ट है, तो नहीं चाहिए हमको, फिर भी +3 पे रखता हूँ। उसके बाद आपको डन कर लेना है। तो डन करना आपको जैसे ही देख सकते हो सब फोटो ऑलरेडी बिफोर एंड आफ्टर ऑलरेडी कलर ग्रेडिंग हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है, और भी फोटो पे अपना मतलब नेचुरल कलर करना चाहते हो तो उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ही देख सकते हो आपको इधर इफेक्ट में देखने में मिल जाएगा, इफेक्ट वाले टूल्स देखने में मिल जाएगा। इफेक्ट वाले टूल्स पर आ जाने के बाद आपको क्लेरिटी देखने में मिल जाएगा। तो क्लेरिटी वाले आपको क्लिक अपना फिंगर के सहायता से टैप करके इसको प्लस कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही देख सकते हो अपना हिसाब से रख लेना है बिफोर एंड आफ्टर। और उसके बाद आपको करना क्या है, भिगनेट पे आ जाना है। भिगनेट में आ जाने के बाद आपको अमाउंट को माइनस कर लेना है, जैसे देख सकते हो इसको अपने हिसाब से माइनस कर लेना है, और मेट पेंट को भी आपको माइनस कर लेना है इतना, और फेदर को इतना बढ़ा लेना है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ब्लैक इफेक्ट साइड से पड़ चुका है, और भी मज़ेदार बन चुका है फोटो अपना। उसके बाद आपको करना क्या है, इधर छिड़कानी नहीं करना है, डन कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर और भी बहुत तरीके से कलर ग्रेडिंग होता है, अगर भाई को इस तरह का अगर कलर ग्रेडिंग आप अपना भाई के पास से मतलब जानना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो तो भाई को कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो भाई को थोड़ा हिंदी बोलने में दिक्कत है, इसका वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बोलने में, तो बहुत ही अच्छी तरीके से कोशिश कर रहा है सही से बोलने के लिए। तो जैसे ही देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, इस तरह का आप भी कर सकते हो। तो जैसे ही फिर भी तुम्हारा भाई का फेस पे थोड़ा सा येलो लग रहा है, इसको और थोड़ा मतलब वाइट कर लेंगे, इसको इतना सा वाइट कर लेंगे और इसको प्लस कर लेंगे बस, तो इसको डन कर लेंगे। तो जैसे ही देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो कैसे लगे तुम्हारा भाई का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर से कोशिश करता हूँ कुछ न्यू कलर ग्रेडिंग आप सबके सामने लाने के लिए, या फिर कोई भी न्यू ट्रिक्स ट्रेंडिंग वाले ट्रिक आप सबके सामने लाने की कोशिश करूँगा। बस थोड़ा सा इस तरह का प्यार देते रहना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।